यू का विधायक राइफल बम लेके चलता है, पूछिए तो नीतीश कुमार क्या बोला है, बम और राइफल लेके चलिए। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप मिश्र नेशन देख रहे हैं। जदयू के बाहुबली विधायक हैं गोपाल मंडल। गोपाल मंडल के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो बांका के श्याम बाजार इलाके में पहुंचे थे, जहां पर एक 20 एकड़ की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से वो पहुंचे थे। ऐसे आरोप के बाद उनको स्थानीय लोगों की तरफ से बंधक बना लिया गया। इस पूरे मसले पर न्यूज फाउंडेशन पर आपने कई वीडियोस देखे हैं, जिसमें क्या कुछ वहां पर हुआ उस पूरे वीडियो में तमाम चीजें हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जदयू के विधायक गोपाल मंडल का क्या कुछ कहना है, इस पर बातचीत की हमारे संवाददाता देवांशु प्रभात ने। क्या कुछ बातचीत में वो कह रहे हैं, सुनिए इसको। से हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जी हैं। क्या आपको थोड़ी देर पहले अभी बंधक बना लिया गया था? नहीं, ऐसा कहीं कोनो बात नहीं, वो लोग दारू पिया हुआ था। पांच सात लड़का ऐसा था, दारू पी के हुजत करता, मेरे गाड़ी के आगे खड़ा हो जाए, गाड़ी बढ़ावे तो गाड़ी पर सो जाए, ये सब बदमाशी हरकत कर रहा। कोई मुर्दाबाद कर रहा था तो कोई जिंदाबाद भी हमारा लोग कर रहा था। हम जमीन खरीदे हों 20-25 बीघा, तो पता चला कि लोग घर बना रहा, वन दीवार कर रहा, तो वही हम देखने के लिए आए थे। तो देखे हम तो जो जमीन लिखा था उन लोगों में, जो घर बनाया उन लोगों में विवाद हो रहा था, उसी जैसे पहुंचे दारू पिया हुआ लोग दौड़ गया, तब समझाया बुझाया, रुको रुको रुको, हम रह गया सब कुछ है। ऐसा कहीं बंदी वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा, कहा गया कि एक घंटे तक आपको बंधक बना के रखा गया और आप जमीन कब्जा करने के लिए गए थे। नहीं, जमीन कब्जा नहीं, मेरा ही जमीन लोग कब्जा कर लिया है। हम वहाँ पर जमीन खरीदे स्कूल बनाने को, दे जमीन कब्जा उसका घर है, हम यहाँ से जाके कब्जा करेंगे, वो सब बात नहीं है। जमीन कब्जा नहीं, हम जमीन देखने के लिए गए थे, वही एक आध घंटा उसके बैठे, हम बैठने के लिए जगह नहीं दिया। कहा जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय है नंद किशोर शाह का कॉलर पकड़ कर घसीटना शुरू किया और अपने वाहन पर बैठाने का प्रयास किया गया आपको। नहीं, ऐसा बात नहीं, दौड़ा ना, दारू पिया हुआ था नंद किशोर शाह, दारू पिए हुए थे। हाँ भाई, नंद किशोर सब्बे पंता तो लड़का दारू पिया हुआ था, बोले बोले मुँह से पुरिया खाया, थूक मेरे ऊपर आ गए, उसी क्रम हटो साला ने तन। अब उसको कालर पकड़ना कहिए कि बंदी बनाना, हम बोले साले को पकड़ो, बदमाशी करता है, यही तो बात है। पकड़ पकड़ के हम बैठाना चाहते तो बैठा के लेके चलते, कहाँ लेके जाते, उसको क्या करते, साले को पकड़ो, थूक पड़ता है, यही बात। और ऐसा बात नहीं हमको बंदी बना लिया, कुछ बना दिया। कहा जा रहा है कि चार वाहनों के साथ एक दर्जन हथियार के साथ आप पहुंचे थे। अरे भाई, हम तो हथियार लेके चलते ही, सब लाइसेंस ही है ना, कोनो चोर का हथियार है। अब मान लीजिए हथियार नहीं रहता तो क्या मेरे ऊपर करता, वो लोग जब दारू पी के लाठी भांज रहा था क्या करता, हम पिटा जाते। हाँ नहीं, गोली चली नहीं, हम समझौता करके अपना निकल गए। हम कह दिए 24 तारीख के बाद, 24 तारीख हमारा विधानसभा खत्म होता है, तब आएंगे, अगर आप लोगों का जमीन होगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं हमारा होगा तो हम दम नहीं मारेंगे, हम जमीन कवर करेंगे, हम कोर्ट के माध्यम से बुलडोजर लगा के मकान तक तोड़वा देंगे, ये हम बोले। यही बात है और कोनो बात नहीं। पुलिस में कंप्लेन भी किया है आपने? नहीं, पुलिस तो आया है ही, तो हम कंप्लेन क्या करते, हम कुछ नहीं किए, वहाँ कोई बातें नहीं हुआ तो फिर बात क्या है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप पर मतलब एक तरह से बंधक बनाया गया तो बात तो है ना। मैंने बंधक नहीं बनाया गया, ठीक है, वो लोग गाड़ी के आगे सो जाए, कहने का मतलब गाड़ी पर बढ़ने नहीं दे, इसको बंधक कहिए जो कहिए। एक घंटा पुलिस को खबर किए, पुलिस आया, सबको आया, पुलिस का मनना नहीं, क्योंकि दारू पी के मौजूद था ना 8-10 तो आदमी। तो सरकार आपकी है, आप जेडीयू के एमएलए हैं और कह रहे थे कि लोग जो हैं वो दारू पीकर ही आपके सामने आपको घेर लिया गया। हाँ तो हम क्या करते हैं इसको बताइए। हाँ तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं कि देखिए दारू, कंप्लेन तो पुलिस देख ही रहा था, जमदार देख रहा था, हम बोले सारे सबको बुलाइए फोर्स को और पकड़िए। लेकिन ऐसा उनके साथ पूरा फोर्स नहीं था, मुश्किल 2-3 महिला को लेके जमदार आ गए और बड़ा वो नहीं आए, और दूर से हम तो एसपी को फोन लगाना चाहे, डीएसपी को लगाए, डीएसपी को वहाँ के डीएसपी को, बाकर डीएसपी को, तो बोला ठीक है हम फोर्स यहाँ से भेजते हैं। तो उतना हम इंतजार करते, फोर आता, हमको निकलना था वहाँ क्या। तो अब जो ये पूरे मामले को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, अब
बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद जब 24 तारीख को खत्म हो जाएगा फिर एक बार आप इस स्थान पर जाइएगा। हम आएंगे हाँ। तो समझौता करने के लिए। तुम लोग अगर घर बनाए बाउंड्री वाल दिया है तो पेपर दिखाओ तो चुप बैठेंगे। मतलब कहने का मतलब ये पेपर नहीं रहेगा, ऐसे ही जबरदस्ती करेगा वो। हम बैठ के तमाशा नहीं है, हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हम कोर्ट का शरण लेंगे। कोर्ट के माध्यम से उन लोगों को जो कहना होगा सब कहेंगे। पुलिस मेरे साथ रहेगी, सीओ रहेगा, सब कोई रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल मंडल जी।